नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएन में। मैं हूं प्राची मेहरा और लेकर आई हूं आपके लिए खास कार्यक्रम जनमुद्दा, जिसमें आज हम बात करेंगे रायगढ़ में हुए टॉयलेट घोटाले के बारे में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिक क्षेत्र में शौचालय निर्माण कराए गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। तत्कालीन समय में सत्ता के विपक्ष में बैठी कांग्रेस पदाधिकारी सहित पार्षदों ने शौचालय निर्माण में हुए अनियमितताओं का विरोध करते हुए जांच की मांग की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जांच टीम भी बनाई गई। इतना ही नहीं, 9 जुलाई 2020 को कलेक्टर ने पत्र जारी किया था, जिसमें निगम कमिश्नर से स्वच्छ भारत मिशन तहत शौचालय निर्माण में हुई अनियमितताओं में संलिप्त जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के नाम मांगे गए थे, लेकिन नगर पालिक निगम से दोषियों के नाम नहीं सौंपे गए। जबकि जांच टीम ने अनियमितताएं किए जाने की पुष्टि की थी। आरोप लगाया जा रहा है कि शौचालय निर्माण के नाम पर नगर निगम में जमकर मनमानी की गई है। स्थिति यह है कि ठेकेदारों को मनमाने तरीके से शौचालय निर्माण के ठेके दिए गए, नगर निगम के अधिकारियों से साठगांठ करते हुए चहेते ठेकेदारों को टेंडर जारी किया गया है। एक ठेकेदार को 50 शौचालय निर्माण का ठेका दिया जाना था, लेकिन निगम ने कई फर्मों को 100 से ज्यादा शौचालय निर्माण का काम दिया है। निर्माण की स्थिति यह रही कि पुराने शौचालय की पुताई कर नया बता दिया, तो कहीं अधूरे निर्माण को कहीं निर्माण ही नहीं किया गया और शौचालय निर्माण की राशि निकाल ली गई। आश्चर्य की बात यह है कि ठेकेदारों को निर्माण के बाद भुगतान तो किया गया, लेकिन किस मद से भुगतान किया गया यह स्पष्ट ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सपना था स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का, जिसके अंतर्गत हमको प्रत्येक गरीब परिवारों के घर में स्वच्छता भारत के अंतर्गत शौचालय निर्माण करवाने थे, जिसको हम लोग नगर पालिक निगम द्वारा शौचालय निर्माण करवाया गया। इसमें गड़बड़ियों का काफी देखिए, इसमें बहुत सारी बात उसमें उठे, गड़बड़ी उठे, भ्रष्टाचार उठा। इस भ्रष्टाचार को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद थे, सभा परिषद के माध्यम से सभापति जी को अवगत करवाया गया, महापौर जी को अवगत करवाया गया कि आप इसकी जांच करवाइए, कमिश्नर को भी इसके ज्ञापन सौंपा गया कि आप इसकी जांच करवाइए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। देखिए, हम लोग के द्वारा कहीं पर दरवाजा ही नहीं है, कहीं पर एक मतलब बोलना चाहिए, एक शौचालय को दो दो बार उसी को रिपीट कर दिया गया, उसी को भुगतान करवा लिया गया नगर निगम के द्वारा। और इसको जब जाँच का विषय आया, हम लोग जाँच किए, उसके बाद भी एक कांग्रेस जनप्रतिनिधि के द्वारा, जो सम्माननीय प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि के द्वारा, इस रोक लगा दिया गया कि इसमें अब जाँच नहीं होगी। धांधलियों का आरोप सही लगाया गया था, शौचालय निर्माण में गड़बड़ हुआ है, उसकी जांच चल रही है और जांच में जो भी अधिकारी और जो भी ठेकेदार उस जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग पार्षद हुए, हमको 1.5 साल हुए, जांच हमारे पार्षद बनने से पूर्व में एक बार जाँच हुई थी, हमको मालूम चला है, उसकी पूरी जानकारी हमको नहीं है। पर अभी जो जाँच हो रही है वो निष्पक्ष जाँच हो रही है और अब के जो जाँच होगी उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, पूरा नगर निगम के पिछले कार्यकाल में ये मुद्दा उठी थी और एक लाट की लाट ठेकेदारों को काम दिया जा रहा था और उसमें बहुत घपला होने की शिकायत भी हुई, जनता के द्वारा सीधा शिकायत भी किया गया था, जिसमें जांच करने के लिए कांग्रेस के द्वारा ही बात उठाई गई थी, परिषद में भी बात उठा था ये, जिसमें एक जांच कमेटी बनी थी। जांच कमेटी में भाजपा के भी पार्षद थे और कांग्रेस के भी पार्षद थे, उनके द्वारा भी किया गया, उनके बाद जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मैं तो चाहता हूं कि जितने लोगों का नाम उजागर हुआ है उतने लोगों के ऊपर कार्यवाही हो भी, जो अनुशासन कहता है उसके दृष्टिगत से, और जो बच गए हैं जिनके ऊपर पेपर के माध्यम से पता चला कि और भी लोग संलिप्त हैं, तो जो भी संलिप्त हैं उन सभी के ऊपर हो एक्शन, ताकि आने वाले समय में शासन के पैसे का दुरुपयोग ना कर सकें। शहर के विकास के लिए जहाँ सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं नगर पालिक निगम में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण कराया जाना था, करोड़ों की लागत से यह निर्माण कार्य होना था, मगर यह एक खानापूर्ति और गड़बड़ी का सबब बन गया। नगर निगम क्षेत्र में 48 वार्ड हैं जहां 5000 से ऊपर शौचालय निर्माण कराया, यह एक आंकड़ा ही है, वास्तविक स्थिति कुछ और है। जनप्रतिनिधियों और पार्षदों द्वारा इस बात की शिकायत की गई, जहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक जांच टीम गठित की गई, जिसके अध्यक्ष तात्कालीन जिला पंचायत सीओ थे।
जांच रिपोर्ट के बाद इसमें कुछ नामचीन राजनीतिक सत्ताधारी ठेकेदारों का नाम सामने आया और काम के निरीक्षण के दौरान बहुत सारी अनियमितताएं सामने आईं, मगर 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इसमें न तो दोषियों पर कोई कार्रवाई की गई है। MKN न्यूज़ रायगढ़ से कैमरा पर्सन जनक शर्मा के साथ दुर्गा प्रसाद की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं रायगढ़ की। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में यहां पर शौचालय निर्माण में करोड़ों की गड़बड़ी का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें, वहीं इस गड़बड़ी को लेकर जांच के लिए टीम गठित की गई थी, टीम द्वारा जांच भी की गई, लेकिन कार्रवाई होने का नाम अब तक नहीं है। यानी कि जो मामला है इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जब यहां पर बात की गई, जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उन लोगों से बात की गई, तो वो लोग भी कार्रवाई की सिर्फ बात कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए संवाददाता दुर्गा प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायगढ़ से। दुर्गा प्रसाद, यहां पर रायगढ़ में करोड़ों की भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, घोटाला यहां पर हुआ है टॉयलेट निर्माण को लेकर, कई अनियमितताएं सामने आई हैं, क्या पूरा मामला है विस्तार से बताएं। जी, बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है रायगढ़ नगर पालिक निगम क्षेत्र का है, जहां शहर के 48 वार्डों में शौचालय निर्माण कराया जाना था। शहर क्षेत्र में हुए शौचालय निर्माण करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया था। टेंडर के दौरान बीच में अनियमितताएं बरती गई थी जी। एक टेंडर में एक ठेकेदार को 50 निर्माण कार्य कराना था, जिसमें अधिकारियों की मिलीमगत और सांठगांठ से ठेकेदारों को 100 से ज्यादा का निर्माण कार्य दिया गया था। इतना ही नहीं, इसमें निर्माण कार्य करोड़ों का भुगतान भी किया गया, मगर इसमें यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि भुगतान किस मद से हुआ है या चेक के माध्यम से हुआ है। और जहां गुणवत्ता की बात की जाए, वहां निर्माण कार्य में बहुत सारी कमियां भी देखी गई। कहीं निर्माण अधूरा है, कहीं पूर्ण है, कहीं अपूर्ण है, बावजूद इसके भी भुगतान पूरा किया गया है जी। दुर्गा प्रसाद जी, वहीं यहां पर देखा जा रहा है कि जो घोटाला या गड़बड़ी यहां पर सामने आई है, उसे उसकी जांच के लिए एक टीम भी गठित की गई थी, यहां पर जांच भी हुई है, कई लोगों के नाम भी यहां पर सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है। जी, बताना चाहूंगा, ये जब निर्माण कार्य हुआ तो उस समय बीजेपी का शासनकाल था, और जो इसमें जब अनियमितताएं सामने आई तो कांग्रेसी पार्षदों और जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत किया गया था कि इस मामले को लेकर जांच की जाए, और जांच के शिकायत के बाद इसमें जिला स्तरीय जांच टीम बनी, जिसके अध्यक्ष तात्कालिक जिला सीओजी थे, और इसमें जांच टीम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी जो थी वो सामने आया, बावजूद इसके अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है जी। दुर्गा प्रसाद जी, वहीं यहां पर जो अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार हैं, जिन्हें इस पूरे काम की मॉनिटरिंग सौंपी गई होगी, उन लोगों का क्या कहना है और क्या रवैया है ये जो गड़बड़ी उजागर हुई है उसे लेकर। जी, अभी वर्तमान में जिले के जो कलेक्टर हैं उनसे पूछा गया था कि जांच के उपरांत जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट बन जाने के बाद भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई है, तो उनका कहना है कि अभी पुनः एक बार जांच किया जाएगा, और पुराने जो जांच रिपोर्ट तैयार किए गए थे इन दोनों के मिलान के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी जी। इसके साथ ही यहां पर देखा जा रहा है कि ये जो मामला है काफी पुराना है, कई साल ही से बीत चुके हैं। वहीं जांच टीम गठित होने के बाद में और मामला उजागर होने के बावजूद भी यहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या लगता है कि ये जो ढील देखी जा रही है कार्रवाई में, क्यों ये रवैया अपनाया जा रहा है कार्रवाई को लेकर। जी, इसमें जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक दबाव या संरक्षण की वजह से भी जो कार्रवाई होना था वो नहीं हो पाया है। इसको लेके पुनः एक बार फिर से राजनीतिक दलों द्वारा फिर से जांच की मांग और कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है जी। वहीं इसके साथ ही देखा जा रहा है कि जो ठेकेदार हैं और ठेकेदार पर और जो अधिकारी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं मिलीभगत के यहां पर आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए या अपने आप को भी फायदा पहुंचाने के लिए जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनके द्वारा भी यहां पर कुछ अनियमितताएं यहां पर देखी गई है, क्या किस तरीके से देखा जा रहा है इन सब चीजों को यहां पर। जी बिल्कुल, जिस तरह की लापरवाही या गड़बड़ी का उसमें उजागर हुआ था, इसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई होना था जो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि ये 3 वर्ष पहले की घटना है और इसमें कई सारे अधिकारी जो हैं उनका
ट्रांसफर या प्रमोशन दूसरे जगह हुआ है, इस वजह से इसमें कार्यवाही नहीं हो पाया है। जी दुर्गा प्रसाद जी, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। वहीं आपको बता दें कि रायगढ़ पर आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर टॉयलेट निर्माण में यहां पर घोटाला सामने आया है। आपको बता दें शौचालय निर्माण के दौरान यहां पर करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। वहीं जो नगर निगम के अधिकारी है उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो ठेकेदार हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर ठेकेदारों के लिए यहां पर बताया गया था कि 50 शौचालय निर्माण का काम उन्हें दिया जाएगा, लेकिन 50 से ज्यादा करीबन 100 निर्माण यहां पर शौचालय का निर्माण के लिए उन्हें ठेका दे दिया गया। इसके साथ ही कई अनियमितताएं यहां पर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि जो पुराने शौचालय बने हुए हैं उन्हें भी यहां पर रंग रोगन करके सामने रखा गया, और बताया गया है कि उन्हें भी नव निर्माण में शामिल किया गया है, और जो राशि है उस शौचालय के नाम पर वो आहरण यहां पर किया गया है। यानी कि तमाम कई तरह की यहां पर जो अनियमितताएं हैं वो लगातार यहां पर सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे साथ अब बात करने के लिए संजय देवांगन, जो कांग्रेस पार्षद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। संजय जी, रायगढ़ में यहां पर शौचालय निर्माण के दौरान तमाम अनियमितताएं सामने आई हैं, गड़बड़ी सामने आई है करोड़ों रुपए की, वहीं क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये 2017 के लगभग का मामला है, जब तत्कालीन राज्य में भाजपा की सरकार थी और नगर निगम में भी निर्दलीय महापौर बैठी थी, तब का मामला था जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था जी, कि शौचालय में अनियमितता बरती जा रही है, जिस पर जांच की जाए, और एक टीम भी बनाई गई थी जिसमें कुछ पार्षद मिल करके इसकी जाँच भी किए थे, और उस जांच को न मानते हुए कलेक्टर महोदय को समक्ष प्रस्तुत किया गया था रिपोर्ट को। जब कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर ने जिला पंचायत सीओ के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बनाए थे और उसमें जांच हुई, परंतु आज पर्यंत तक उसमें किस प्रकार से कार्यवाही नहीं हो पाई, और अभी जो अभी वर्तमान कलेक्टर भीम सिंह जी हैं उनके द्वारा भी इसकी फाइल की मांग की गई थी, ये आपका लगभग 9 जुलाई 2020 को जी, कि जो जांच की गई है उस रिपोर्ट पे कार्यवाही की जा सके, परंतु अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं दिख रहा है कि कुछ हुआ है करके। जी मैडम जी। संजय जी, 3 साल पुराना ये मामला है, मामला उजागर हो चुका है, जांच कमेटी बैठ चुकी है और मामले में यहाँ पर गड़बड़ी भी सामने आ चुकी है। वहीं सवाल सीधा ये है कि क्या कारण है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है? बहुत ही शोचनीय विषय है, क्योंकि जांच एक प्रशासनिक अधिकारी जो तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा कराई गई थी और जांच भी हो चुकी है, और आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कांग्रेस इसकी मांग करती है कि इसमें कार्यवाही होनी चाहिए, और पिछले समय से ही कांग्रेस इस जांच को उठाई है और आज भी चाहती कांग्रेस कि इसमें कार्यवाही हो, ताकि आने वाले समय में इस तरह के भ्रष्टाचारी आम पब्लिक के हित को न लें, और आम पब्लिक का जो उनके हक में जो है शासन ने निर्धारित किया उनको बराबर मिले। जी संजय जी, वहीं यहां पर करीब 2.5 साल पूरे होने आ गए हैं सरकार को, कांग्रेस की सरकार राज्य में है, लेकिन फिर भी ये जो मामले हैं, यानी कि कितनी बड़ी बात है जब मामला उजागर हो चुका है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कांग्रेस की सरकार राज्य में है फिर भी इतनी ढील पोल क्यों देखी जा रही है? जी बिल्कुल, ये आपका कहना उचित नहीं लग रहा है। रीजन इसलिए कि 2020 में मैंने कहा कि जुलाई में तत्कालीन कलेक्टर ने इसमें जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए कहा है, और कांग्रेस की सरकार है, और पूर्व में भी कांग्रेस ने ही इस जांच को उठाया था, और अभी भी ये जांच चल रहा है, और इसमें से कई ठेकेदारों के नाम सामने आए हैं जिसमें कलेक्टर साहब का कहना है कि FIR दर्ज की जाएगी, और इसके बाद भी और जितने भी ठेकेदार हैं जो CEO के द्वारा जांच कमेटी रिपोर्ट तैयार की है उसके तहत जितने लोगों का नाम आया उनके ऊपर FIR की कार्यवाही करने की कलेक्टर साहब ने बात कही है, और निसंदेह जल्दी इस पे कार्यवाही आगे बढ़ेगी। जी संजय जी, वहीं यहां पर सवाल यही है कि सिर्फ कार्रवाई की बात कही जा रही है, कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, परंतु आप देखे होंगे कि इस बीच में कोरोना काल था, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों की जान बचाने में और लोगों को लॉकडाउन के चलते पूरी प्रशासन लगी हुई थी, और इस वजह से इसमें कार्रवाई में उतनी गति नहीं हो पाई है। मैं मानता हूँ इस बात को, परंतु इसमें जो भी दोषी हैं
उनके ऊपर कार्यवाही होगी और निश्चित ही कार्यवाही होगी, आपको आश्वासन देते हैं इसके लिए। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि शौचालय निर्माण में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है रायगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि लगातार हम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं इस बार भी यहां पर जो मुद्दा सामने आया है, जांच में भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है। बावजूद इसके अब तक सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और जब जिम्मेदारों से यहां पर बात की जा रही है तो जो जिम्मेदार हैं वो भी यहां पर एक दूसरे के ऊपर जो मामला है उसे डालने के लिए तैयार है और कार्रवाई किए जाने की आगे बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है ये जो बड़ा सवाल है वो यहां पर उठ रहा है। आपको बता दें रायगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिक क्षेत्र में शौचालय निर्माण कराए गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जो मामला है वो उजागर हुआ है। आपको बता दें तत्कालीन समय में सत्ता के विपक्ष में बैठी कांग्रेस पदाधिकारी सहित पार्षदों ने शौचालय निर्माण में हुई अनियमितताओं का विरोध किया था, लेकिन आज तक ये इस विरोध के बाद में जांच कमेटी तो बैठी है, यहां पर टीम द्वारा जांच की गई है, जो अनियमितताएं हैं वो भी यहां पर उजागर हुई है, लेकिन सवाल आखिरकार यही उठ रहा है कि जो कार्रवाई है उचित कार्रवाई वो उसमें इतनी ढील पोल यहां पर क्यों देखी जा रही है और जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही यहां पर नगर निगम के जो अधिकारी है ठेकेदारों के साथ उनकी साठगांठ का भी यहां पर बातें सामने आ रही हैं। यहां पर कहा गया है कि नगर निगम के अधिकारियों ने साठगांठ करते हुए जो चहेते ठेकेदार थे उन्हें ये टेंडर जारी किया और एक ठेकेदार को 50 शौचालय निर्माण का ठेका दिया जाना था। बावजूद इसके निगम ने कई फर्मों को 100 से ज्यादा शौचालय निर्माण का काम दिया। वहीं आपको बता दें कि निर्माण की स्थिति यही रही है कि कई जगहों पर आपको बता दें जो अनियमितताएं निकलकर यहां पर सामने आई हैं उसमें कहीं पुराने शौचालय की पुताई करके उन्हें नया बता दिया गया है तो कहीं अधूरा है अभी भी निर्माण। इसके साथ ही कहीं निर्माण ही नहीं किया गया है, इसके बावजूद जो राशि है सभी शौचालय के नाम पर यहां पर आहरण कर ली गई है और राशि आहरण होने के बावजूद यहां पर शौचालय का निर्माण नहीं देखा गया है। यानी कि लगातार जो लापरवाही यहां देखी जा रही है, जो मॉनिटरिंग टीम है उनके द्वारा भी यहां लापरवाही देखी गई है कि जो अनियमितताएं हैं वो यहां पर उजागर हो रही है, जो ठेकेदार हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं, इसके साथ ही जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन पर भी कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन मामला अब भी वही है कि कार्रवाई की सिर्फ बात की जा रही है और किसी भी तरीके से यहां कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। आपको बता दें पिछले 3 साल का ये मामला है, बीते 3 साल पहले ये मामला उजागर हुआ था लेकिन हर वक्त बस बात को टाल दिया जाता है और आश्वासन ही लगातार यहां पर मिल रहे हैं और किसी भी तरीके की कार्रवाई होने की बात यहां सामने नहीं आ रही है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जानकी काटजू जो महापौर है हमारे साथ जुड़ी हुई है। जानकी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैडम एक बार सुन ना जी, मैडम अभी सो रही है, अभी फिर पाकर तो ना फिर में 5 मिनट बाद। जानकी जी आवाज आ रही है आपको हमारी? सर मैडम जी, मैडम अभी सो रही है जानकी जी, अभी हस्बैंड बोल रहा हूँ मैं, अभी सो रही है मैडम है ना। जी वहीं यहां पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से अधिकारी जो हैं उनकी लापरवाही देखी जा रही है और हमारा संपर्क भी उनसे नहीं हो पा रहा है। महापौर से हमने यहां पर संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो अधिकारी है वो इस मुद्दे से कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो कार्रवाई की बात है तो वहां पर भी ढील पोल देखी जा रही है, वहीं जब यहां पर अधिकारियों से संपर्क करने की बात की गई तो यहां पर भी जो अधिकारी है वो इस मामले में बचते हुए नजर आ रहे हैं और सवालों के जवाब देने के लिए यहां पर तैयार नहीं है। एक बार फिर आपको बता दें रायगढ़ का ये मामला है जो हमने आज उठाया है, शौचालय निर्माण में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जांच में भ्रष्टाचार भी यहां सामने आया है लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। वहीं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनू राव उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। स्वागत, नमस्कार जी। रायगढ़ में शौचालय निर्माण के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जांच टीम का गठन भी किया गया है लेकिन सवाल यही है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी जो आरोपी है या जो यहां पर देखा जा रहा है उन लोगों पर यहां कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है? ये बात सही है जी और मैं इसको स्वीकार करता भी हूँ। पिछले कार्यकाल में भी मैं पार्षद था
पिछले कार्यकाल में जो सरकार थी, नगर सरकार, मोदी सरकार की इतनी अच्छी योजना को सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण इसका भुगतान रायगढ़ की जनता को होना पड़ा। शौचालय घोटाले की बहुत सारे मीडिया द्वारा बहुत बार उछाला भी गया, हमारे द्वारा भी बार बार आवेदन भी दिया गया है कि जांच किया जाए, लेकिन उस टाइम के जो सरकार थी, नगर सरकार, घोल मोल करके अपने बातों को बार बार काटते गई, जिसके चलते या जो भी उसमें त्रुटियां थी वो मिलने में मुश्किल हो गई थी। हमने बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी, लेकिन शहर सरकार के चलते हमारे काम सारे खराब हो गए। जी सिनू जी, वहीं यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, यहाँ जो नगर निगम के अधिकारी है वो है और जो ठेकेदार हैं उनमें आपस में यहाँ पर किसी न किसी तरीके की साठगांठ का भी मामला सामने आ रहा है और तमाम आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? तो आपको बता रहा हूँ, ये बात तो सत्यता है, नगर निगम के कर्मचारी और ठेकेदारों की साठगांठ से और नगर की सरकार के सहयोग से, उस टाइम जो नगर की सरकार थी उनके सहयोग से यह कारनामा किया गया है, उस कारनामा का ही ये नतीजा है, लेट लतीफा किया जा रहा है। हमने तो बार बार अनुरोध किया है और अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, आज 2 साल 2.5 साल होने जा रही है जी। मैं कांग्रेस की सरकार से अनुरोध करता हूँ, आप जांच कराइए और जो व्यक्ति ऐसे घिनौना हरकत किया है, जो भी अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार, उनके ऊपर कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। जी सीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि रायगढ़ की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर करोड़ों का घोटाला, करोड़ों की गड़बड़ी यहां पर देखी गई है शौचालय निर्माण के दौरान। हम आपको बता दें कि 3 साल पहले ये जो मुद्दा था वो उठाया गया था, लेकिन देखा जा रहा है कि जांच टीम जो है वो भी यहां पर गठित की गई, जो मामला है वो भी उजागर हुआ, अनियमितताएं भी देखी गई, बावजूद इसके यहां पर जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। और कार्रवाई आखिरकार कब तक होगी ये देखना होगा, क्योंकि तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर ही यहां पर आरोप लग रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से यहां पर जो मामला है इसे यहां दबाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से मामले में आगे कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए जनमुद्दे में बस इतना ही। अब आप एमकेएन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।